बिग बॉस के घर में चल रहा है टिकट टू फिनाले टास्क, जिसके दौरान का एक प्रोमो मेकर्स ने शेयर किया है फैंस के लिए, क्योंकि उसमें रुबीना की कनेक्शन बनकर आई ज्योतिका दिलेक जैस्मिन भसीन की पोल खोलती नजर आ रही हैं, और ये इल्जाम लगा रही हैं कि जैस्मिन भसीन ने रुबीना दिलेक को नीचा दिखाने की कोशिश की है। दरअसल रुबीना और जैस्मिन के बीच टास्क के दौरान एक भयंकर लड़ाई होने वाली है, ये तो हमने आपको कल ही बता दिया था। लेकिन अब खुद कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें जैस्मिन और रुबीना लड़ रही होती हैं और रुबीना की कनेक्शन ज्योतिका लड़ाई के बीच टांग अड़ा देती हैं, जिसके बाद जैस्मिन ज्योतिका से खराब लहजे में बात करती नजर आती हैं और रुबीना भी जैस्मिन को जवाब देने से पीछे नहीं हटती। ऐसे में राहुल वैद्य जब ज्योतिका को ये समझाते हैं कि वो छोटी हैं और छोटी बनकर रहें, तो ज्योतिका कहती हैं कि जैस्मिन ने घर से बाहर जाकर रुबीना के बारे में जो जो बोला है वो मैं ही जानती हूँ। वेल, ज्योतिका की बात को सुनकर लगता है कि ज्योतिका कुछ ऐसा जानती हैं जिससे जैस्मिन भसीन ने रुबीना दिलेक की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आपको बता दें, जैस्मिन भसीन जब से बिग बॉस सीजन 14 के घर से बाहर आई हैं, तभी से लगातार उनसे ये पूछा जाता रहा है उनके इंटरव्यूज में कि वो रुबीना दिलेक को लेकर क्या सोचती हैं। अपने इंटरव्यू में जैस्मिन भसीन सिर्फ इतना ही कहती हैं कि रुबीना दिलेक बड़ी चालाकी से गेम को खेल रही हैं और रुबीना दिलेक इस शो की विनर हो सकती हैं। लेकिन आपको बता दें, जैस्मिन भसीन अक्सर अपने ट्विटर के जरिए ऐसे ट्वीट करती नजर आई हैं जिसमें वो रुबीना दिलेक की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली बात कर जाती हैं। और ऐसा सिर्फ ज्योतिका दिलेक का सोचना ही नहीं है, बल्कि रुबीना दिलेक का हर एक फैन यही सोचता है कि जैस्मिन भसीन कहीं ना कहीं रुबीना दिलेक से जेलस हैं और वो रुबीना दिलेक की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। वेल, आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अर्पण न्यूज को, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।